कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत नमस्ते देहा ओम नमः सत्य देहा ओम नमः सत्य देहा पंडित भागचंद जी साहब की रचना सत्ता स्वरूप जिसकी अत्यंत मार्मिक और अत्यंत प्रेरणादायी तात्विक विषय वस्तु के ऊपर हम आप लोग अध्ययन स्वाध्याय चिंतन मनन कर रहे हैं। युक्ति पूर्वक ज्ञान आस्तिकता और रसिकता रस रूप सेवक पना ऐसा लिखा है। सेवक पना तो होवे लेकिन रस रूप होवे जिसमें रस परिपाक होता हो आत्मार्थी जीव को रस आता हो ऐसी रसिकता हम आप लोगों को होनी चाहिए। यदि रस नहीं आता हो तत्व में जिनवाणी में तो शुष्क परिणामों से तो कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक व्याख्यान में मैंने एक वाक्य सुना, पारिणामिक भाव को पाने के लिए उसके लायक परिणाम तो होने चाहिए ना। क्या कहा? पारिणामिक भाव को स्पर्शने के लिए छूने के लिए पारिणामिक भाव के लायक परिणाम तो होने चाहिए ना। परिणाम यदि नहीं होते हो तो पारिणामिक भाव मिलेगा तो मिलेगा कैसे। बहुत सुंदर बहुत गहरी बहुत अद्भुत बात थी। तात्पर्य ये है कि हम आप लोगों को अपने जीवन में अपनी मानसिकता अपनी वैचारिक उदारता कृपाल देव श्रीमद जी के शब्दों में यदि कहें तो विशालता मध्यस्थता ये सारे गुण हम आप लोगों में होने चाहिए। जितेंद्रियपना विशालता और उदारता ये सारी विशेषताएं हम आप लोगों के व्यक्तित्व में होने चाहिए। ये बहुत मार्मिक बात है और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी बहुत जरूरी। तत्व निर्णय के लिए तो है ही है। तो यहां हम आप लोगों ने युक्ति पूर्वक ज्ञान आस्तिकता और रस रूप सेवक बना प्रभावना के कार्यों में रस आना चाहिए। धर्म की आराधना में जीव का मन मचलना चाहिए। भगवान की भक्ति आराधना उपासना के लिए मन मचलना चाहिए। हृदय प्रफुल्लित तो होना चाहिए। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, इस प्रकार की परिणति हमारी होनी चाहिए। जैसे विषय भोगों आदि के संदर्भ में हम आप लोगों को कितना मतलब हर्ष होता है, जैसे सारी जिंदगी की खुशी हम आप लोगों को मिली होवे, मतलब राग के प्रसंगों में मोह ममत्व के प्रसंगों में विषय कषाय भोगों आदिकों के प्रसंगों में इतना हम एक्साइटेड होते हैं। महीनों बाद सालों बाद
ट्रेन का सफर करना होवे, ट्रेन जब अपन अपनी रिजर्वेशन बोगी में जब अपन जाके बैठते हैं तो कैसा लगता है? एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग आकर्षण होता है। अरे प्रतिदिन तत्व की बात सुनते समय हमें हर्ष होना चाहिए। कुछ गुरुदेव जी कहा करते थे, उछलते हुए वीर के साथ तत्व का अभ्यास कर। उछलता वीर्य साव नमाला नमाला नहीं थई ने नहीं, उछलता वीर्य तत्वनी वात सांभळवी जोईए। અને જેનો વીર્ય ઉછળતો હોય તે ભગવાન મહાવીરનો શિષ્ય કહેવાને લાયક છે, શ્રીમદજી લખ્યું છે આ વાત। હા શું કીધું? ભગવાન મહાવીરનો શિષ્ય કોણ? ભગવાન મહાવીરના શિષ્યોના લક્ષણોમાં આ પણ એક લક્ષણ લખેલ છે કે જે ઉછળતા વીર્ય, વકીલ સાહેબ ઉછળતા વીર્ય, જેનો વીર્ય ઉછળવું જોઈએ। હા વીર્ય ઉછળ્યા બાદ જ ખરેખર એ તત્વને માટે લાયક હોય છે। કેટલી માર્મિક વાત છે! હા સિકંદર કેટલી વખત ચડાઈ કરી ભારત ઉપર? હા પહેલી બીજી વખત જીતી ગયા બાદ વળી પાછા માનસિક રીતે થાકી ગયા હશે કેમ? હા અરે પહેલી વાર, બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, પાંચમી વાર, બોલો થાક નહીં લાગે। દર વખતે નવી તૈયારી સાથે, પૂરેપૂરી નવી તૈયારી સાથે, જોશ। સ્વાધ્યાય અધ્યયન આ બધી બાબતોમાં સાહજ ઉન્નતમ માનસમ યસ્ય ભાગ્યમ તસ્ય સમુન્નત, જેનો જેટલો માનસ ઉન્નત હોય, જેની જેટલી માનસિકતા ઊંચી હોય, એનો ભાગ્ય પણ એટલો જ ઊંચો હોય છે। જિસકા જિતના માનસ ઊંચા હોતા હૈ, હા જિસકે જિતને વિચાર ઊંચે હોતે હૈ, ઉસકા ભાગ્ય ભી ઉતના હી ઊંચા હોતા હૈ। કિતની માર્મિક બાત! ઇસલિયે ભાઈઓ, યુક્તિપૂર્વક જ્ઞાન और आस्तिकता, इसके साथ साथ हमें रस आना चाहिए। देखो युक्ति पूर्वक ज्ञान में विवेक की बात की, विवेक भान होना चाहिए, और आस्तिकता में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के विवेक भी काम नहीं करता है। विवेक भान तो होवे लेकिन श्रद्धा ना हो, और विवेक भी हो और श्रद्धा भी हो और रस ना आता हो तो देखो आप कितनी गजब की मर्यादाएं हैं। ये एक बात सुनना कि हमें देवगुरु धर्म के प्रति खूब श्रद्धा है और देवगुरु धर्म के प्रति खूब हम जानते हैं निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, आगम क्या है, अध्यात्म क्या है, चारों अनुयोगों की पद्धति जानते हैं, निश्चय व्यवहार की पद्धति जानते हैं, सब युक्ति पूर्वक ज्ञान, अपने निर्णय आत्म ज्ञान में सब कुछ है, सब जानते हैं, और श्रद्धा भी परिपूर्ण है और रस नहीं है। बोलो क्या गजब की बात है! हाँ समझ में आ रही है? तीनों बातें तो इतनी मार्मिक है, इसको अपन व्यवस्थित यदि पीपीटी फाइल बनावे ना, अलग 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 विषय बिंदुओं के माध्यम से, एंगल से, तो 7-8 दिन तक इन तीन विषय बिंदुओं के ऊपर हम आप लोग स्वाध्याय कर सकते हैं। इसमें मैंने पांचों परमागम का अर्थ निकाला है, रत्नत्रय का अर्थ निकाला है, समय सार की पांचवी गाथा में कहे हुए निज वैभव के चार उपाय जो हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, इसको भी घटित किया है। सब निकलता है इन तीन शब्दों में। युक्ति पूर्वक ज्ञान होना चाहिए, आस्तिकता होनी चाहिए। युक्ति पूर्वक ज्ञान वह ज्ञान का बोल है, आस्तिकता वह श्रद्धा का बोल है, और रसिकता वह चारित्र का बोल है। समझाए छे काय?
जा जा जे जे यो के छे तहां समझो ते त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जनए। जा जा जे जे योग्य छे तहां समझू ते, समझू ते एमां श्रद्धा आवी अने ज्ञान आव्युं, युक्ति पूर्वक ज्ञान आव्युं, आस्तिकता आवी, त्या त्या ते ते आचरे। बोलो बोलो चारित्र आव्युं। समझ में आ रही बातें? अब इसके बाद में बहुत मार्मिक बात अपन ने कल की थी, उसको केवल मैं पढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि तुम कुल पद्धति में उन्हीं के कहलाते हो, पैदा हुए हो, जन्मे हुए हो, संगति मिल गई, हाँ, उठना बैठना खाना पीना, देखो क्या क्या गजब की बात है, उठना बैठना खाना पीना चर्या भक्ति पूजा इन क्रियाओं से जुड़े हुए हो ना तुम, इसलिए तुम भी कुल पद्धति के कहलाते हो, ये बात सत्य है। परंतु तुम जैन कहलाते हो, क्या कहा, तुम जैन तो कहलाते हो परंतु उसका तो यही अर्थ है कि जिसको जिन देव का सेवक पना हो। मार्मिक बात है, मतलब तुझे जिन देव का सेवक पना है, तू हृदय से जिन देव की मानता है, जिन देव को मानने से पर्याप्त नहीं है, जिन देव की मानो। क्या कहा, हा? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? जिन देव की मानना और जिन देव को मानना, हा? भगवान को मानना और भगवान की मानना, कितना फर्क है। भगवान को मानना और भगवान की मानना, माँ बाप को मानना और माँ बाप की मानना, कितना फर्क है। हा? शिक्षक को मानना और शिक्षक की मानना, शिक्षक को तो हर कोई मानता है, शिक्षक की कितना मानते हैं। हा? वक्ता को तो हर कोई मानता है, वक्ता की कितना मानते हैं। समझ में आई बात, क्या कहा। हा? डॉक्टर को तो हर कोई मानता है, डॉक्टर की कितना मानते हैं। बोलो, माँ बाप नु मानू अने माँ बाप ने मानू फेर नथी एमा, डॉक्टर ने मानू अने डॉक्टर नु मानू एमा फेर नथी। हाँ बोलो वकील साहब बोलो। देश ने माननारा केटला अने देश नु माननारा केटला, निहाल थई जवाय। देश नु माने तो, हाँ, गुरु नु माने तो, गुरु ने तो बधाय माने પણ ગુરુ નું કેટલા માને। એટલે ઓલા મુરારી બાપુએ એક વખત, મેં સાંભળેલ છે વાત, મુરારી બાપુએ એક વખત એમના રામાયણના પારાયણમાં એવું કીધું, દુનિયામાં જૈનો તો ઢગલા છે પણ મહાવીર ને માનનારા જૈનો ઢગલા છે, મહાવીર નું માનનારા ગણ્યા ગાંઠ્યા છે, મહાવીર ને માનનારા જૈનો ઘણા પણ મહાવીર નું માનનારા કેટલા, મહાવીર કો માનને વાલે બહુત હૈ, મહાવીર કી માનને વાલે નહીં। ગુરુદેવ શ્રી કો માનને વાલે, ગુરુદેવ શ્રી કો માન
देखो, जिसको मिल गया भाग्य से मिल गया सो मिल गया। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को धर्मात्मा समझकर केवल लोक प्रवाह में यदि बहना चाहते हैं तो कोई भी हमारे लिए शरण नहीं। इस बात को पक्का समझना, कोई साथ आने वाला नहीं है। इसलिए हमें विवेक बुद्धि पूर्वक इसका निर्णय करना चाहिए। हाँ, तो इसमें आगे क्या कहा था देखिए आप, ग्रंथ में देखिए, बहुत सुंदर बात है। पंडित जी ने कहा था कि कुल पद्धति में उन्हीं के कहलाते हो, यह तो सत्य है, परंतु तुम जैन कहलाते हो उसका तो यही अर्थ है कि जिसको जिनदेव का सेवक बना हो वह जैन। जिनदेव का सेवक बना होना चाहिए ना, जिनदेव की आज्ञा तुझे माननी चाहिए ना। हाँ, जिन आज्ञा माने सो जैन। क्या कहा? जिन आज्ञा माने सो जैन। तो जिन आज्ञा तुझे मान्य होनी चाहिए ना। अब देखो, पत्नी का उदाहरण और पुत्र का उदाहरण दिया, पतिव्रता पत्नी का उदाहरण दिया। जैसे पतिव्रता स्त्री सुख दुख आदि सर्व अवस्थाओं में अपने पति की ही कहलाती है, और पुत्र है वह सुख दुख अवस्थाओं में अपने पिता की जाति का ही कहलाता है। क्या कहा? मतलब आए हुए सुख दुख के काल में तुम निराकुल रहो, शांत रहो, समता भाव से रहो, तो तुम जिनेन्द्र भगवंतों की जाति के कहलाओगे, महावीर के संतान कहलाओगे। हमें तो वीर तना संतान, गाने से कुछ नहीं होता है। हम भगवान महावीर के संतान है, तो सुख दुख के काल में वीरता आनी चाहिए ना, धीरता आनी चाहिए ना। समझ में आई बात? उसी प्रकार तुमको तो जिनदेव ही मेरे स्वामी है ऐसा उसका आस्तिक्य भाव सच्चा भाषित नहीं होता है, तुम्हें तो नहीं होता है। देखो, तो आस्तिक्य भाव दूसरा पॉइंट लिया। अब तीसरा, सर्व मत वाले अपने अपने इष्ट देव के सेवक होकर प्रवर्तते हैं। देखो, तो बहुत गजब की बात है। हाँ, ये स्वामी नारायण में वगैरह कैसा होता है? हाँ, ये उनकी मंदिरों की सेवा में कोई नौकर होते हैं? हजारों सेवक, खाना बनाने वाले से लेकर के पिरसने वाले से लेकर के वहां उनके मंदिरों में बाहर जूते चप्पल संभालने वाले भी। देखा ना आप लोगों ने, तो देखा है ना सभी। वहां की साफ सफाई, वहां के टॉयलेट बाथरूम, आप सोचो एक स्वामी नारायण मंदिर से लगते हुए जो उनकी जो भी भक्ति है, जैसी भी भक्ति है, सेवक पना देखो आप, वैयावृत्ति की भावना देखो, अपने आराध्य के प्रति समर्पणता देखो आप। और हम लोग तो हाथ बांध के खड़े रहते हैं। जिनवानी उठा करके रखने से छोटे हो जाते हैं। मंदिर की साफ सफाई वैयावृत्ति आदि में मदद करने से कुछ छोटे हो जाते हैं अपन, लेकिन नहीं, हमें वो अभिमान करने नहीं देता है। सोचना भाई आप लोग, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। काम को पूरे गौरव के साथ अहो भाव से हमें करना चाहिए, कोई भी काम हो। हाँ, देव गुरु धर्म का कोई भी काम हो, साधर्मी की सेवा हो, अरे मंदिर की पूजा हो, मंदिर का प्रक्षाल हो, चाहे साफ सफाई हो। इसलिए आज इस पंचम काल में मंदिर बढ़ रहे हैं, मंदिर में भगवान भी बढ़ रहे हैं और भक्त जन घट रहे हैं। बढ़ते भगवान और घटते भक्त। हाँ, बढ़ते भगवान और घटते भक्त। सोचो आप, क्या स्थिति है
जिनवाणी लाखों की संख्या में जिनवाणी छप रही है, पढ़ने वाले कितने? आप सोचो, देव शास्त्र गुरु की ये सब विराधना नहीं है, ये दोष नहीं है। जिनवाणी लाखों की संख्या में छपती है और हजारों की संख्या में पढ़ने वाले घटते हैं। भगवान हजारों विराजमान होते हैं, हजारों भगवान विराजमान होते हैं और हजारों श्रोता भक्तजन घट रहे हैं। हर जगह ऐसी स्थिति है, क्योंकि कौवे हर जगह काले ही होते हैं। बड़े बड़े मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर 500,000 लोग बैठे और आवे जावे, लेकिन 2-4-6 लोग भी नहीं दिखेंगे। फिर रही सही वैयावृत्ति की भावना, सुनना आप ध्यान से, रही सही देव गुरु धर्म के प्रति की भावना कोरोना ने वो भी साफ कर दिया। क्या कहा? हाँ, बात साची ने मारी। कोरोना नी कृपा एटली थई कि रही सही भावना पण बद्दी भूसाई गई। सोचो कितना हीन काल है। हाँ साहेब, केटलो हीन काल छे विचार करो। वर्तमान काल मां मोक्ष मार्ग बहुलोक विचारवा आत्मार्थिते अत्रे कयो अगोप्य। बहुत सुंदर बातें हैं भाई। सब दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसलिए ये तत्व मिला है, यह मार्ग मिला है, हमें युक्ति पूर्वक ज्ञान करके अपनी आस्तिकता को बढ़ा करके, तत्व ज्ञान में अपना रस बढ़ा करके हमें कल्याण के मार्ग में आगे जाना चाहिए। नहीं तो ऐसे डंडे पड़ेंगे जैसे यहाँ पंडित जी मार रहे हैं, भागचंद जी साहब। क्या कह रहे हैं देखो, सर्व मत वाले अपने अपने इष्ट देव के सेवक होकर प्रवर्तते हैं। सुनना ध्यान से, मैं आपको क्या कह रहा हूं। श्रावण महीना चालू है ना अभी तो, फिर में सोमवार के दिन सुबह शाम जाकर के देखना, वहां से निकल नहीं पाते, सैकड़ों लोगों की लाइन लगी रहती। अपना नहीं है वो, कौन सा स्कूल है? दुर्लभ जी वाला स्कूल। कौन सा हो? धर्मेंद्र ने, धर्मेंद्र तो नहीं पढ़, लेकिन वो भूपेंद्र रोड। हाँ, भूपेंद्र रोड, वहां बालाजी मंदिर। रोज शाम के दिन वहां देखना भीड़ कितनी होती, वहां से निकलना मुश्किल होता है। श्रावण महीना में, महीने में शिवालयों में भीड़ देखो आप, शिव मंदिर में, हिंदुओं के मंदिर में। तो वो जीव, वो लोग जो ग्रहित नित्यात्व, अपनी भाषा में कहते हैं ग्रहित नित्यात्व की भूमिका में पड़े हुए हैं, लेकिन परंपरा का निर्वाह तो करते हैं कि चलो श्रावण महीने में तो जाएंगे। पंडित जी यहाँ कह रहे हैं, सर्व मत वाले अपने अपने इष्ट देव के सेवक होकर प्रवर्तते हैं। जो भी उनका शनिवार है और त्योहार, क्या नाम, शुक्रवार है और सोमवार है, श्रावण महीना है, फलाना है, ढिकना है, बराबर। लेकिन परंतु तुम्हें तो यह भी नहीं है, तुम्हें तो परिश्रम पर्व के दिनों में तो वर्ल्ड टूर करने का सूझता है, अकल नहीं है। अष्टानिका के दिन है, परिश्रम पर्व के दिन है, आराधना के दिन है, महावीर जयंती का दिन है, चातुर्मास की स्थापना का दिन है, समझ में आ रही बातें, श्रुत पंचमी का दिन है। अरे उन दिनों तो देव गुरु धर्म आदि की आराधना करनी चाहिए, संयम से रहना चाहिए। तुझे तो विषय भोग कषाय घूमना फिरना दिखता है, तो बोलो परंपरा का भी निर्वाह कहाँ कर रहे हैं? युक्ति पूर्वक ज्ञान तो है ही नहीं, रसिकता तो गई, परंपरा का भी निर्वाह नहीं है। जैसे परिश्रम पर्व के दिन है तो आराधना में हर जीव को शामिल होना चाहिए कि नहीं? पूजा में, प्रतिक्रमण में, जो भी एक सामाजिक
क्रियाएं होती हैं उनमें हर एक आत्मार्थी मुमुक्षु की उपस्थिति चाहिए कि नहीं बताओ? लोक मर्यादा तो है ना, लोक लाज तो है कि नहीं? लोक लाज तो, लोक लाज भी नहीं है, आप सोचो तो सही। अरे परिश्रम करो, जैसे आराधना के दिनों में भी भगवान की पूजा आराधना करने का मन न हो तो तेरी श्रावक की भूमिका को भी धिक्कार है। कहां तो मतलब एक विवेकी श्रावक की भी भूमिका नहीं है। अपन ने वो लाठी संहिता का प्रकरण लिया था, ख्याल होगा, जैन श्रावक को रात्रि भोजन नहीं होता, याद आ रहा है आप लोगों को? कुलाचार वाला मैंने लिया था प्रकरण। और एक मुमुक्षु आत्मार्थी भले ही साहेबी गिरी में जीता हो तो उसके वहां खाना पीना रसोई बसोई बनाने वाला जैनी होना चाहिए, जैनत्व की उसे पहचान होनी चाहिए। अब ये स्वच्छंदता जीवन में चलती है, शिथिलता जीवन में चलती है, संस्कृति का संगोपन नहीं तो संस्कारों का संवर्धन कहां से होगा? क्या कहा मैंने, क्या कहा वाक्य, क्या बोला मैंने अभी? हाँ, ये लिख के रखने जैसी बात है, ये कोई मैं कथा नहीं कर रहा हूं, यार ध्यान रखना। संस्कृति का संगोपन यदि नहीं होगा तो संस्कारों का संवर्धन कहां से होगा? सब स स स स है, चारों स। संस्कृति का संगोपन, उसकी सुरक्षा, तो संस्कारों का संवर्धन। संस्कार कहां से बढ़ेंगे? हमारी रुचि कहां से बढ़ेगी? हमारे संयम के भाव कहां से बढ़ेंगे? संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे तो। किए जाते हैं, सोचा कभी आप लोगों ने? हाँ, 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, ये दिल्ली में इतना लाखों रुपयों का खर्चा करके वहां जो परेड किया जाता है ना, प्रजासत्ताक दिन का, स्वतंत्रता का, अरे वो संस्कृति का संगोपन है। वो पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज है कि हम हमारी भारतीयता में विश्वास रखते हैं, हम हमारी राष्ट्र की भक्ति में विश्वास रखते हैं, ये राष्ट्रभक्ति हमारा फर्ज है। उसमें राष्ट्रपति से लेकर के पीएम तक एक भी कोई उसमें अनुपस्थित नहीं रह सकता। बोलो साहेब, वकील साहेब, राष्ट्रपति विदेश में जाए, चाल से दे दिवसे 15 अगस्त ना दिवसे नरेंद्र मोदी पोतानी भाषणबाजी करवा माटे विदेश जासे, बाहर जासे? नहीं, बधा कार्यक्रमों कैंसल। 15 अगस्त ना दिवसे, 26 जनवरी ना दिवसे परेड में हाजरी देवी ज पड़े। बोला देश नु रूल्स अने रेगुलेशंस छे कि नहीं? हाँ, और यदि उसका उल्लंघन किया जाए तो उसके नागरिकता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह होगा। समझाए छे बताए? એમ તું આરાધના દિવસોમાં, પર્યુષણ પર્વના દિવસોમાં, અષ્ટાંગના દિવસોમાં દેશ વિદેશની યાત્રા માટે રખડવા માટે નીકળ, અને તને ભગવંતોની પૂજાનું ન સૂજે, આરાધનાનું ન સૂજે, જૈન દર્શનની સંસ્કૃતિનું ન સૂજે, તો તારા મુમુક્ષુપના ઉપર પ્રશ્ન ચિહ્ન છે। સમજના રે? મેં જે જોર સે બોલ રહા હું, ઇસલી જોર સે બોલો, સમજને જૈસી બાત। मतलब हमें अष्टानिका का पर पंडित जी कर रहे हैं, जो लोग लाभ ले रहे हैं सो लाभ ले रहे हैं, मैं समग्र व्यवस्था की बात कर रहा हूं, समग्र शासन की बात कर रहा हूं, मैं जो राजकोट के, अहमदाबाद के, बम्बई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं, पूरे भारत भर के। हाँ, तो आराधना के दिनों में, अपने धार्मिक त्योहार पर्व के प्रसंगों में, अष्टानिका हो, चाहे वो पर्युषण पर्व हो, चाहे वो महावीर जयंती हो, श्रुत पंचमी हो, उन पर्व के प्रसंगों के सांस्कृतिक महत्व को हमें समझना चाहिए या नहीं? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हो,
पेरेंट्स मीटिंग हो स्कूल में, तो करोड़पति भी वहां जाता है कि नहीं? नहीं, मैं करोड़पति मैं कैसे जाऊं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर मैं कैसे जाऊं? यदि नहीं जाओगे तो वहां से नोटिस आएगी, यू हैव टू अटेंड बिकॉज ऑफ यू आर रिस्पॉन्सिबल गार्जियन, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। समझ में आ रही बात? तो एक पेरेंट्स मीटिंग में भी बड़े से बड़े वकील, बड़े से बड़े डॉक्टर को जाना ही जाना पड़ता है, लाख काम छोड़ करके। ऐसे ही भाई, आराधना के जो दिन है, जो अपने सांस्कृतिक महत्व के जो दिन है, उन दिनों में तो उपस्थिति होनी ही होनी चाहिए। इसलिए कह रहे पंडित भैया, सर्व मत वाले अपने अपने इष्ट देव के सेवक होकर प्रवर्तते हैं, परंतु तुम में तो यह भी नहीं है। कौन कहे, किससे कहे, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। इस प्रकरण को बहुत गहराई से आप लोग समझना। इसलिए पंडित जी बोलते हैं, इसलिए तुम तो शीतल दृष्टि से विचार करके देखो, अपने विवेक बुद्धि से तुम सोचो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे का प्रकरण तो बहुत सरल है, आप लोगों ने पढ़ा। अब ये जो प्रकरण जो है 21 नंबर के पृष्ठ पे, उसमें श्वेतांबर आदि कुतर्क आदि की बात कही, उसके बाद वाला प्रकरण में लेता हूँ कि 18 दोषों में कितने दोष पुद्गल आश्रित है, कितने दोष आत्माश्रित है, इनका तो निर्णय करना चाहिए ना। तो ये वाला पूरा 18 दोषों से संबंधित वाला प्रकरण बहुत बढ़िया है। इस विषय को मैं और गहराई से लेना चाहता हूँ, 18 दोषों से संबंधित थोड़ा सा साहित्य भी मेरे पास उपलब्ध है, वो हम आप लोग लेंगे, लेकिन अब अगले सप्ताह लेंगे। कल तो शुक्रवार शनिवार, दो दिन सप्ताह के अंत में हम आप लोग विशेष और पाठ लेते हैं। तो अरहंत भगवंतों के स्वरूप संबंधी 18 दोषों से भी रहित तो होते हैं। कैसे होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, उनमें पुद्गल आश्रित कौन से हैं, जीवाश्रित कौन से हैं, इसका बराबर विवेक भान एक आत्मार्थी मुमुक्षु जीव को होना चाहिए। इसकी चर्चा यथा योग्य समय पे हम आप लोग अगले सप्ताह में करेंगे। अभी विराम की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सब निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा।